हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग टिप्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले झारखंड सहायक अध्यापक मानदेय अपडेट मार्च और अप्रैल 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शकील भाईजान के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है, यानी कि बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है मानदेय को लेकर। ठीक है, देखते हैं पूरा डिटेल्स में जानकारी देते हैं कि एक साथ जो है कि मार्च और अप्रैल का एक साथ मानदेय भुगतान किया जाएगा। यह शकील भाईजान के द्वारा अपडेट आया हुआ है। चलिए देखते हैं पूरा डिटेल्स में जानकारी देते हैं कि एक साथ जो है कि कब आपका मानदेय भुगतान किया जाएगा। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि इस तरह जो भी अपडेट आएगा आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा, वो भी सबसे पहले। चलिए बात कर लेते हैं कि मार्च और अप्रैल का जो मानदेय है वो एक साथ आएगा या फिर अलग अलग डेट में आपका मानदेय भुगतान किया जाए। ये शकील भाईजान के द्वारा एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। देखते हैं उस अपडेट में आपका क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका मानदेय अपडेट दिया गया है कि ईद को देखते हुए मार्च महीने का मानदेय का भुगतान की प्रक्रिया प्रोसेस में है, यानी कि मार्च महीना का जो मानदेय है वो ईद को देखते हुए आपका जो भुगतान है उसका प्रक्रिया जो है प्रोसेस में है। ठीक है, एवं अप्रैल माह के अग्रिम भुगतान हेतु राज्य सरकार के आदेश जारी होने के बाद राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा भी अप्रैल माह के सहायक अध्यापकों के मानदेय का भुगतान का आदेश भी सभी जिला परियोजना को 20 अप्रैल को 2 बजे तक अप्रैल माह एडवाइस मानदेय का डाटा अपलोड करने का निर्देश राज्य परियोजना के द्वारा दे दिया गया है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पूरा क्लियर कर दिया गया है कि अप्रैल माह का जो मानदेय है वह आपका 20 अप्रैल को 2 बजे तक अप्रैल जो इनका जो एडवाइस है वो मानदेय का जो एडवाइस है वो डाटा अपलोड करने का निर्देश जारी कर दिया गया है राज्य के परियोजना के द्वारा। ठीक है, परंतु ईद को देखते हुए इस समय काफ़ी कम है, इसीलिए सभी जिले के अगवा साथी अपने अपने जिला परियोजना कार्यालय से संपर्क स्थापित करते हुए 20 तारीख को 2 बजे तक आपका जो हर हाल में डाटा और चिट्ठी अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट भी आपका दिया गया है, यानी कि 20 तारीख को 2 बजे तक आपका जो है कि डाटा और चिट्ठी अपलोड कराने के लिए सुनिश्चित करें, ताकि ईद से पहले अप्रैल माह का भी एडवाइस मानदेय मिल सके। ठीक है, यानी कि दोनों मार्च और अप्रैल दोनों मिला के आपका जो है कि मानदेय आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में आपका दिया गया कि ध्यान रहे साथियों, अप्रैल माह का जो मानदेय है वो एडवाइस पेमेंट करना है, कोई अब्सेंटी जमा करने का कोई चक्कर नहीं है। इसलिए हम जिला के अगवा साथी यदि थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ईद से पहले अप्रैल का मानदेय एडवाइस में मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लोग अगर पूरा कोशिश करेंगे, आप लोग का ये डाटा और चिट्ठी अगर अपलोड हो जाता है तो आपको ईद से पहले दोनों महीने का जो है कि मानदेय भुगतान आपका हो जाएगा। यानी कि अप्रैल से पहले अप्रैल का थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे तो आपका ईद से पहले अप्रैल का मानदेय एडवाइस में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सभी के सुख दुख का साथी शकील भाईजान यहाँ पर आपका दिया गया है, यानी कि आपका जो है कि दोनों महीना का जो भुगतान जो है आपका मार्च और अप्रैल दोनों का आपका आ जाएगा, ईद से पहले आपका मानदेय भुगतान हो जाएगा। ये शकील भाईजान के द्वारा अपडेट दिया गया था। चलिए वीडियो कितना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।